नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मेरे ब्रांडेड रेडीमेड मैन्युफैक्चर में। मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के नज़दीक डेनिम मिल में, जो कि प्रीमो डेनिम मिल, जो कि आज हमें रवि जी बताएंगे उसके मिल के बारे में, जो कि एक एक विस्तार से सर आप इस मिल के बारे में एक एक तरीके से यूनिट के बारे में समझाइए। स्वागत है आपका। आपको अभी हम मिल के बारे में विस्तार से बताएंगे जी। आइए, प्रीमो डेनिम मिल के बारे में समझाएंगे हमारे रवि सर, जो कि यहाँ के मेन हेड हैं। ये हमारा आपको सारा दिखाया है, ये लैब का एरिया है जी। यहाँ पे यार्न टेस्टिंग होती है, यहाँ से भी यार्न आता है जी। सबसे पहले यहाँ पे यार्न टेस्टिंग होती है जी। ये अलग अलग इसके पैरामीटर सारे यार्न के चेक होते हैं यहाँ पे जी। यार्न के हैं, फैब्रिक के हैं, सारे पैरामीटर यहाँ लैब के अंदर चेक होके। जैसे कि आप इस बॉक्स को देख रहे हैं, इन में सबसे पहले यार्न आता है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से यार्न की पैकिंग आती है, फिर हम बारपिंग में ले जाते हैं। सेक्शन बारपिंग यहाँ पर ये रोलिंग होके प्लानिंग के रिकॉर्डिंग रोलिंग होके फिर वह बीम बन जाता है। मैंने बोला था कि क्रील अभी नीचे है इसमें जी, और ये अपने आप में वैसे भी इंडिया के अंदर पहला प्रोजेक्ट है जिसमें टू पार्ट के अंदर क्रील लगी हुई है। अच्छा बिल्कुल। और तो इसमें यहाँ से शीट, जैसे सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर के लिए शीट यहाँ से शेयर होती है जी, ठीक है। देखिए तो यहाँ से शीट जाती हुई जी, फिर आगे इनके अलग अलग प्रोसेस हैं जी, ठीक है जी। वैसे तो ये 90 मीटर की मशीन है जी, और जुपिटर की मशीन है, तो इसको शीट डाइंग बोला जाता है जी। तो इसके बाद जो इसके बाद में, जैसे अभी आप ग्रे शीट देख रहे हैं जी, शीट के बाद में अलग अलग वॉश होके फिर आगे इसके 8-9 डाई टैंक है, उनमें अलग अलग जगह से डाई होके डिप होके सारा प्रोसेस है इसका। ये अलग अलग टैंकों में डिप होके जाएगा, अलग अलग टैंकों में डिप हो, जैसे 9-10 टैंक है, इसमें हल्का सा आप डिप करेंगे, हल्का शीट पकड़ा है आप देख रहे होंगे आगे, जैसे ये लाइट शीट है, यहाँ जाके थोड़ी सी वो डार्क हो रही है जी, इसके आगे थोड़ी सी वो डार्क हो रही है जी। ऐसे अलग अलग जगह से 9-10 टैंक हैं जिनमें से डिप होगा, फिर फाइनली आगे टैंक के जितने भी ये टैंक है सारे, ये डाई टैंक है, वहाँ तक डाई टैंक, ये डाई टैंक है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फैब्रिक डाइंग हो रहा है बढ़िया करके, कितना प्रोसीजर, कितने टैंक होंगे सर इसमें? इसमें 9-10 टैंक हैं जो डाइंग के हैं। अच्छा, इनमें टिप होके फैब्रिक आगे जाता है, आगे यार्न शीट आगे जाती है। जैसे आपने देखा अभी ये डाई कंप्लीट होने के बाद जी, यहाँ पे ये साइजिंग के टैंक हैं आगे, साइजिंग के जी। तो सर ये दिखाने की कोशिश करो, ये टैंक जैसे हैं, यहाँ पे आगे साइज होता है और फिर ये ड्राई होके फिर आगे शीट जाती है, फिर आगे शीट जाती है जी, जो आगे हमने आगे जाके वहाँ पे लीजिंग होके फिर वहाँ पे रोलिंग हो जाता है। तो वो फिर अलग अलग, वैसे इंडिगो के अलावा भी हम लोग अलग अलग शीट्स इसमें लेते हैं, इंडिगो है, IBST है, फिर ब्लैक है। नॉर्मली 40-45,000 का मीटर का एक सेट रहता है जी। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है क्योंकि ये जुपिटर की शीट डाइंग है, और वैसे भी ये डाइंग के अंदर कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ वीविंग सेक्शन, यहाँ पे फैब्रिक बीम होता है, फैब्रिक बीम होता है, बीम होता है, बीम फैब्रिक बीमिंग होती है। एयरजेट की मशीनें हैं पीकानोल की जी,
तो पी कन्वर्टर की हाई स्पीड मशीनें हैं वो भी वाइडर के अंदर हैं, जो मार्केट का ट्रेंड है आजकल वाइडर का जी, उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक बना रहे हैं जी। वो सर किसी के पास वाइडर का सेटअप नहीं होता जी, एक्चुअली हमने सारा सेटअप वाइडर का ही लगाया हुआ जी। तो जो वाइडर का हमारा सेटअप है उसके अंदर 90 इंच तक का हम फैब्रिक ग्रे फैब्रिक बनाते हैं जी, और 80 इंच तक का हम फिनिश फैब्रिक मार्केट में दे रहे हैं जी। तो हमारी जो फिनिश फैब्रिक की रेंज है वो हम 60-80 इंच तक फैब्रिक मार्केट में दे रहे हैं। ये आप देखिए जैसे जैसे ये मशीनें चल रही हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे पिकानोल की लेटेस्ट मशीन रही है जी। ये पिकानोल की ऑप्टिमिक्स आई मशीन है जी, जो कि 530 आरपीएम 550 से 580 तक आरपीएम तक चलती है जी। तो ये लेटेस्ट मशीनरी है जिसमें अंदर हम क्वालिटी बना सकते हैं जी। तो ये 210 सेंटीमीटर की मशीन है सारी जी, हर तरह की क्वालिटी इसमें बना सकते हैं जी। देखिए आप जैसे कि अभी मैं आरएफटी का दिखा रहा हूँ आपको जी, कुछ आरएफटी चल रही है, इसके अलावा डेनिम है, अलग अलग क्वालिटी इसके अंदर सारी चल रही है जी। तो इसके ग्रे फैब्रिक वीविंग लूम से आता है जी, वीविंग से चेकिंग होने के बाद फैब्रिक यहाँ पे आता है जी, रोल फॉर्म में आता है जी। तो उसके बाद यहाँ पे हम ये स्टिचिंग करने के रोल के साथ रोल स्टिच करके यहाँ पे सिंजिंग होता है। सिंजिंग होता है, सिंजिंग प्रोसेस का मतलब है कि फाइबर जो फैब्रिक के ऊपर हल्के हल्के कॉटन के रोए वगैरह होते हैं जी, ये उनको बर्न करता है और फैब्रिक में एक लस्टर देता है, एक चमक देता है, चमक देता है। आइए ये सारा प्रोसेस आप समझिए, सारा प्रोसेस कैसे उनके पीछे रोल अटैच होके फिर यहाँ से ये चीज सक्रिय में चलाते हैं जी। किस तरीके से सिंजिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट, यहाँ से फिर आगे गाइडर के थ्रू वहाँ से यहाँ किस तरीके से सिंगिंग हो रहा है जो गाइड करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बर्नर लगे हुए हैं जी, आप देखिए यहाँ पे बर्नर लगे हुए हैं, तो ये बर्नर जो सरफेस का एरिया ना वो हल्के हल्के जो रोए रहते हैं उनको बर्न करता है। बर्न होने के बाद में लास्ट यहाँ पे आके बैच फॉर्म में रोल हो जाएगा, बैच फॉर्म में रोल हो जाएगा जी। आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में ये एक बैच बन जाता है, तो बैच फॉर्म में जब ये बन जाएगा तो इसके बाद में ये फिनिशिंग में जाएगा, फिनिश होने के लिए ये इसके बाद फिनिशिंग में जाएगा, फिनिश होगा इसके बाद में फिनिशिंग में ही जाएगा, वहाँ पे जाके फैब्रिक फिनिश होगा और फिर वो फाइनल ट्रॉली में आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था हाँ जी, कि वहाँ से जब फैब्रिक सिंजिंग से रोल फॉर्म में आता है जी, तो वो बैच में आता है जी, बैच फॉर्म में यहाँ पे आया जी। अलग अलग इसमें अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ है सारी, वाइडर है, नैरो है, कॉटन के अंदर है जी, सारी इस फॉर्म के अंदर आती है जी। ठीक है, इस फॉर्म से फिर हम लोग यहाँ पे फिनिश प्रोसेस करते हैं। ये मशीन है, ये सारी जो आप दिख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये ढाल की फिनिशिंग रेंज है जी। ठीक है, ये वाइडर विड्थ मशीन है, हम 210 से लेके 230 सेंटीमीटर तक का फैब्रिक यहाँ पे दे सकते हैं जी। और यहाँ पे हम फीड करते हैं मशीन से जी, यहाँ से फैब्रिक फीड होता है और ये अलग अलग ले रोलर से निकलता हुआ जैसे आप देख जी, ये स्क्रे में गया, इसके बाद आगे आपका इकट्ठा हो जाता है। ये देखा, ये देखा, इस तरीके से कैमरा मैन से कहूँगा साफ तरीके से दिखाएं। तो सर इसके बाद जैसे ये देखो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से होता है, हम फीड यहाँ से करते हैं, फीड ग्रे फैब्रिक जो है फीड यहाँ से करेंगे हम, उसके बाद भी इसका अलग अलग प्रोसेस करते हैं सारे। जैसे ये मशीन के अंदर डिपिंग पॉइंट रहते हैं इनके अलग अलग, ठीक है, फैब्रिक को डिप करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट जो भी होता है अच्छा सारा यहाँ से होता है। ये डबल डिप का फैब्रिक चल रहा है, डबल डिप के अंदर, अब ये डबल ये क्या है, ये डबल डिप के अंदर जैसे दो अलग अलग चैम्बर है ना, दोनों में डिप होके फैब्रिक केमिकल ट्रीटमेंट होके फिर आगे जाता है ठीक, और फिर यहाँ से आपका फैब्रिक अलग अलग सिलेंडर के अंदर ये ड्राई होके, ये ड्राई होके अलग अलग में ये यहाँ ट्रॉली में जी,
यहाँ ये ट्रॉली में जैसे अभी आप ट्रॉली लगाएंगे ये ट्रॉली लगाएंगे यहाँ पे ट्रॉली में सारा ट्रॉली के लिए आगे चला जाएगा आगे इंस्पेक्शन के लिए चला जाएगा पैकिंग। ये अभी कॉटन क्वालिटी है, कॉटन बेस्ड क्वालिटी है सारी जी। तो ये डबल फिनिश का फैब्रिक है इस टाइम पे जो अभी चल रहा है जी। अब रोलिंग ये फिर उसके बाद ये ट्रॉलियों में भर दिया गया है। अब इसके बाद दिखाएंगे कि आगे किस तरीके से पैकिंग होगी। पैकिंग ट्रॉली में जाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन और चेकिंग एंड पैकिंग होती है। चेकिंग और पैकिंग जैसे हम फिनिशिंग हो गए फैब्रिक आ गया जी। अभी यहाँ पे कटिंग के लिए आया है, फाइनल चेकिंग इंस्पेक्शन के लिए, ग्रेडिंग के लिए जैसे सर। तो ये मशीनरी है चेकिंग और पैकिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैमरामैन से बोलेंगे यहाँ दिखाएं। ये चेकिंग के जो पैरामीटर है वो पॉइंट करना, उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग हो। फिर यहाँ पे फैब्रिक रोल हुआ, ये रोल फॉर्म में आ गया जी। फिर यहाँ पे सर्वीड हो गई, ये आ गया सीज। इसके बाद में हम यहाँ पे इन्होंने वेट करके सर जी। इसके बाद में यहाँ पे पैकिंग हो जाएगी फाइनल। ये पैकिंग हो रही फाइनल जी, ये फाइनल पैकिंग हो जाएगी। यहाँ पे स्टिकर और इधर भी देखिए, इधर भी पूरा स्टॉक लगे हुए हैं। और इस स्टॉक के बाद भी देखेंगे कि इस प्रकार यहाँ भी पूरा स्टॉक लगा हुआ है सर। ये डेली का स्टॉक जो है यहाँ पे आ जाता है, डेली का अलग अलग शॉर्ट करके इनको फिर गोदाम में शिफ्ट कर देते हैं। गोदाम में ये डेली का माल, ये डेली की प्रोडक्शन यहाँ पे स्टोर हो जाती है और यहाँ से फिर इसको हम गोदाम में शिफ्ट कर देते हैं, गोदाम में शिफ्ट कर देते हैं। इतना सारा माल डेली तैयार कर देते हैं आप? जी जी जी, वो प्रोडक्शन तो आपकी पर दिन की तो है ही ना सर। सर इतना एक पर डेली अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी और बहुत सारा इससे भी ज़्यादा माल तैयार करके ये गोडाउन में भेज देते हैं। ये तैयार हो चुका है, ठीक है, डेली चेकिंग पैकिंग करके ये फाइनल मटेरियल है। यहाँ से फिर हम गोदाम में भेज देंगे, वहाँ से फिर डिस्पैच आके भेजेगा जी। ये गाड़ी में लोड हो रहा है जैसे अभी जी, क्योंकि हम दिल्ली के नियरेस्ट हैं जी। तो यहाँ से छोटी गाड़ियाँ भी जैसे जाती हैं, डेढ़ से दो घंटे में दिल्ली में माल डिलीवर हो जाता है। डेढ़ से दो घंटे में डिलीवर, जो दूसरी जगह से हमको दो दिन में या तीन दिन में डिलीवरी मिलती है जी, यहाँ से तो पार्टी को दो घंटे के अंदर डिलीवरी मिल जाती है। दो घंटे के अंदर नियरेस्ट होने का ये बेनिफिट है और पार्टी को भी इस चीज़ का बेनिफिट है। पार्टी को बेनिफिट इसलिए है कि दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है और प्रीमो डेनिम जो कि एक यहाँ हम आए हुए हैं मील में और यहाँ से गाड़ी लोड हो रही है दिल्ली के लिए, और दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के लिए लोडिंग हो रही है ये गाड़ी। और इसमें प्रीमो डेनिम ये दिखाएं कैमरामैन से कि ये छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है जी, बाइक जी। सारा दिन जो डिस्पैच वाले वो तो लगे रहते हैं। और बाहर जब माल जाता है तो कौन सी गाड़ी लगती है? फिर ट्रांसपोर्ट में 22 फुट गाड़ियाँ लगी हैं, 22 कंपनी की 22 फुट गाड़ियाँ लगी हैं, 16 फुट गाड़ियाँ वो डिलीवर करते हैं। डिलीवर, ये हमारा लैब का एरिया है और थोड़ा सा सैंपल डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं आपको जी। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो 8 से 10 लाख मीटर है, तो हमारी प्रोडक्शन अभी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके कारण हम लोग प्रीमियम सेगमेंट बनाते हैं जी। है क्वालिटी के अंदर हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं तो कॉटन बेस्ड क्वालिटीज़ ज़्यादा रहती है हमारे जी। कॉटन बेस्ड या मार्केट के ट्रेंड के ऊपर है, जैसे कॉटन पॉली है, फिर डिज़ाइनर्स हैं जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें क्या सर ये डिज़ाइनर फैब्रिक है जी, ठीक है, पैटर्निंग वाले हैं, ये डिज़ाइनर्स हैं जी, ठीक है। तो जो मार्केट की डिमांड है उसके ऊपर हर तरह का फैब्रिक यहाँ पर बनता है। ये चेक वाला है, चेक ये चेक से है, ये वाला चेक है, स्मॉल चेक से है, ये क्वालिटी हमारी रॉक क्वालिटी की क्वालिटी है और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली क्वालिटी है ये हमारी जी, सबसे ज़्यादा जी। और इसके अंदर कॉटन के अंदर हमारा ज़्यादा है। अब कॉटन के अंदर आप देखिए ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जी जो हमारे रेगुलर प्रोडक्शन के अंदर रहते हैं जी, ये प्रोडक्शन कभी भी इनकी स्टॉप ही नहीं होती, ये कभी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते मार्केट में। एक्चुअली कुछ ऐसे उस प्रकार के जो फिक्स आर्टिकल हैं जी, कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर ही चलते हैं जी। बाकी हम फैब्रिक हर तरह का बनाते हैं, हर टाइप की क्वालिटी बनाते हैं, लाइट वेट से लेके हैवी होज तक का जो मार्केट का टेस्ट है, अलग अलग मार्केट का, जैसे अभी दिल्ली का अलग टेस्ट है, दिल्ली के अलग क्वालिटी ट्रेंड है, मुंबई का है जी, फिर कोलकाता का हो गया, ऐसे हर जगह फैब्रिक हमारा जाता है और हर टाइप की क्वालिटी हम बनाने की। तो सर आपका देश के अंदर सारे हर राज्य लगभग हम सब जगह करते हैं, दिल्ली तो है ही मेजर मार्केट, इसके अलावा हम मुंबई, फिर कोलकाता, फिर बेंगलोर में ब्रांड्स के अंदर सारा काम हमारा प्रीमियम कहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर हम ब्रांड के अंदर काम करते हैं तो इसलिए हमारे को अपनी जो क्वालिटी है वो अदर कंट्री, हाँ जी, अभी हम कुछ एक्सपोर्ट का कर रहे हैं, बांग्लादेश में हमारा एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश जी जी। तो ये मैं आपको जितने भी सारी क्वालिटी थोड़े से कुछ सैंपल इसमें डिस्प्ले किए हैं जी, इसके अंदर थोड़े से अलग अलग आपको डिज़ाइनर्स, अलग अलग शेड्स, अलग अलग क्वालिटीज थोड़ी सी एक देखने का आपको मिलेगा।
जी। बाकी तो बहुत सारे सैंपल हैं जो सारे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हम लोग जी। तो बाकी तो प्रीमियम कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिस्प्ले कर डिस्प्ले करके दिखा। बाकी ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से फिर होता रहता है। हम प्रीमो डेनिम फैब्रिक ऑफिस सोनीपत में उनकी फैक्ट्री लगी हुई है और यहाँ उनका ऑफिस है प्रीमो डेनिम फैब्रिक। अब हम जानने की कोशिश करेंगे नरेंद्र भाई से। नरेंद्र भाई आप बताएंगे कहाँ कहाँ ये प्रीमो डेनिम का यहाँ ऑफिस के बारे में बताएंगे। ऑफिस ये ज्ञान मोहल्ला गली नंबर 2 धर्मपुरा गांधीनगर दिल्ली में इनका प्रीमो डेनिम का वेयर हाउस और ऑफिस है। हेड ऑफिस यहाँ पे है दिल्ली के अंदर है और जो मेकिंग इंडस्ट्रीज है मिल है वो है सर सोनीपत के अंदर। सोनीपत तो ये वहाँ से कपड़ा तैयार होकर यहाँ हेड ऑफिस ब्रांच में आता है। यहाँ पे वेयर हाउस है हमारा, एक वेयर हाउस और है, ये वेयर हाउस है, इसके अंदर सारा माल आता है। ये इस तरह के रोल बन के आते हैं, इस तरीके से रोल बन के। डेनिम का प्रोडक्ट है ये, देखिए यहाँ पे दिखाइए सर, ये प्रीमो डेनिम, प्रीमो डेनिम, प्रीमो, हाँ ये प्रीमो डेनिम का प्रोडक्ट है। और अब हम आपको लेके चलेंगे हमारे ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस है प्रीमो डेनिम का जी, वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको। हमारा सैंपल ऑफिस है, सैंपल ऑफिस, हाँ जी हाँ सैंपल ऑफिस है। जैसे वहाँ से कपड़ा बन के आता है, किस तरह की मतलब कि कपड़े की लुकिंग आएगी, किस तरह की लुकिंग, हाँ जैसे कपड़ा मैं नीचे देखा उसका हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं क्या चीज़ है। इसकी वॉशिंग होती है, इसकी सिलाई होती है, फिर इसका पता चलता है कि कपड़े की लुकिंग कैसी होगी। हम बड़ा पीस बनाएंगे पैंट का तो उसकी लुकिंग कैसी आएगी, शॉर्पनेस कैसी आएगी, स्ट्रेच कैसा होगा, सारी कुछ इसके पता चल जाता है। सारा स्ट्रेच हो गया कैसे उसकी लुकिंग हो गई। ये सर सारा का सारा प्रीमो डेनिम का प्रोडक्ट है जी। ये जितना अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सारा का सारा प्रीमो डेनिम का प्रोडक्ट है। इसमें कोई दूसरी मूल्य का कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा का सारा ये देखिए प्रीमो 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 डेनिम का कपड़ा है सारे के सारे प्रीमो डेनिम का। हाँ जी, और ये आपको सामने लगा रखे हैं डिजाइनिंग है। ये डिजाइनिंग कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक तो इस तरह के कपड़े हो गए और इसमें देखो फिर ये अलग तरह का चेक्स कपड़ा हो गया, ये मतलब कि दूसरी डिजाइन का कपड़ा हो गया। ये दूसरी डिजाइन का कपड़ा, हाँ देखिए देख पा रहे हैं किस तरीके से दूसरी डिजाइन का कपड़ा। इसका सैंपल को दिखाइए आप। हाँ, एक तो ये हो गया, ये अलग तरह का कपड़ा है इस तरह का, मतलब ये देखिए। हाँ जी हाँ, इसी तरह के हमारे पास में सर, ये हमारे MD सर का ऑफिस है। MD सर का, ये MD सर का ऑफिस है। अभी तो है नहीं, आप लेट हो गए तो दिन में आप आए थे उस टाइम आपको पता है टाइम था नहीं। ये सारे आज अभी आए हैं सारी सारी, मैं बता रहा था ना आपको 70-80 डिजाइन आने वाली थी, तो ये सारी की सारी अभी आई है। ये अभी अभी नई नई डिजाइन आई है, देखिए किस तरीके से नई नई डिजाइनों को यहाँ सैंपलों को। मेरे को लगता है कि आपके हफ्ते भर में 10-15 डिजाइन और नई नई तैयार हो जाती है। ऐसे मान के चलो हर पर डे 2 या 3 डिजाइन हमारे कपड़े के नए बनाते हैं। डेनम फैब्रिक, RFD, कॉटन बाय कॉटन, कॉटन बाय पॉली, पॉलिस्टर, जितने मतलब कि RFD के अंदर देख लो, कॉटन बाय पॉली हो गया, जेट ब्लैक हो गया, सारा का सारा जितना कपड़े का मतलब कि होता है ना पैंट से रिलेटेड जितना भी कपड़ा सारा हमारा प्रीमो डेनम बनाता है। सारा सैंपल रूम है और अकाउंट सेक्शन का भी है। ये सैंपल रूम है आपका? सैंपल रूम वो भी था। हाँ। और कुछ क्योंकि मतलब आपके जो कस्टमर होते हैं अलग अलग बैठा है यहाँ। हाँ, दिखा पाए ज्यादा जिस तरह से आ जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए टाइम, मतलब कि सुबह आए थे तो आप कितनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, जबरदस्त भीड़ थी। तो हमने सोचा कि मैं एक बार सोच रहा था कि भीड़ की भी वीडियो बना लेते तो अच्छा रहता, पर उस टाइम टाइम मिला। हाँ नहीं, मेरे को टाइम मिला नहीं इस तरह। तो कोई नहीं, तो हम इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्रेमो डेनिम किस तरह के। देखो सैंपल रखे हुए हैं इतने सारे नए नए, सारे सारे नए होते हैं सर। जैसे नया कपड़ा है ये एक सैंपल है ना, इसका मतलब एक कपड़े की डिजाइन है, एक कपड़े बन के तैयार हो गया कि ये कैसा कपड़ा बैठेगा, लुकिंग कैसे आएगी, लुकिंग कैसे। तो ये आपके पास इतने यहाँ पे पड़े हैं, पीछे वाले रूम में दिखाए थे, सैंपल रूम में आपको दिखाया था, सारा का सारा मतलब जबरदस्त है, जबरदस्त तरीके से। तो और ये सैंपल रूम ये गांधीनगर में, गांधीनगर में ऐसी हर दूसरी दुकान या हर दूसरे बंदे के पास में हमारा प्रीमो का डेनिम का फैब्रिक जाता है, जबरदस्त सेल है सर हमारे प्रीमो डेनिम की। तो और इसके बाद जो ये वेटिंग रूम है, वेटिंग कस्टमर के लिए, वेटिंग रूम, वेटिंग रूम कस्टमर के लिए, ये प्रीमो डेनिम कस्टमर के लिए वेटिंग रूम। दोपहर में आप आए थे उस टाइम खचाखच भरा हुआ था, आपको पता है, आपने देखा होगा। हाँ अभी उसकी साफ सुथरा, 9:30 का टाइम हो रहा है। हाँ रात का टाइम हो रहा है, तो हमने देखा कि रात को लेट हो गया था इसलिए शूट कर लिया मैंने, सब लोग चले गए, फिर भी हम चलो चलते हैं। ये सर हमारा ये प्रीमो, इसका आप अच्छी तरह ध्यान से देख लिए, प्रीमो डेनिम, डेनिम इसी के नाम से हमारा डेनिम का ब्रांड है। हाँ। जबरदस्त काम किया इन लोगों ने, वो तो देखिए बड़ा शानदार काम किया, अच्छी पकड़ बना ली मार्केट के अंदर,
लोग तो 5 साल में अपना एक एरिया कवर नहीं, हमने लगभग ऑल ओवर इंडिया कवर कर लिया 5 साल के अंदर। प्रीमो डेनिम कितने? देखिए अभी आपको जैसे मैंने डेनिम का सारा प्रोसेस दिखाया जी, स्टेप बाय स्टेप कैसे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होती है जी, कैसे डाइंग होती है, कैसे फिनिशिंग होती है और कैसे डिस्पैच होता है जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम डेनिम की मिल में अभी नए हैं जी, डेनिम सेक्शन में तो अभी नए हैं हम लोग। 3 साल से हमारी ये मिल लगे हुए हैं। तो अभी हमारी जो प्रोडक्शन है, अभी हमारी प्रोडक्शन 8 से 10 लाख मीटर तक पहुंची है जी। तो उसके अंदर भी हम क्वालिटी मेकिंग का काम करते हैं जी। जैसे आपको मैंने अभी सारे सैंपल दिखाए हैं जी, जहाँ प्रोडक्ट आपने देखेंगे जितने भी, वो सारे प्रीमियम क्वालिटी के हैं जी। तो क्वालिटी हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी के अंदर जाएँ, कि ज़्यादा ना बना के हम क्वालिटी के अंदर जाएं और ब्रांड के साथ अच्छा काम करें जी, जिससे कंपनी का नाम हो जी और कंपनी का जो एक पैरामीटर है या नाम है वो मेंटेन रहे जी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम क्वालिटी मार्केट को दे सकें। वैसे हम तो हर तरह का सेगमेंट बनाते हैं, जिसमें आपको दिखाया अभी लास्ट सेगमेंट व्यू में कि सारा डिज़ाइनर्स बनाते हैं हम लोग, डोमिनेट के अंदर बना रहे हैं, बेसिक के अंदर बना रहे हैं, हर तरह की क्वालिटी हमारी मिल के अंदर तैयार होती है जी। उसके अंदर हम आरएफडी में बनाते हैं, आरएफडी में ओवरडाइंग का बना रहे हैं। तो आरएफडी के अंदर भी हमारा अलग अलग सारा सिस्टम हमारा इन हाउस है। तो आपको हर तरह का फैब्रिक यहाँ पर मिलेगा मिल के अंदर, और अच्छी रेंज हम कुल मिला के बना रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई कर रहे हैं। सबसे मेन मार्केट तो हमारी दिल्ली में ही है, दिल्ली के बहुत पास पड़ता है, इसलिए दिल्ली के सबसे नियरेस्ट हैं हम लोग बैठे हुए बहुत पास। अब ये देखो ना कि दिल्ली से आप किसी भी कस्टमर का आप मतलब हमारे तक हार्डली 1 से 1.5 घंटे में हमारे तक पहुंच जाएंगे। जगह का नाम बताइए आप। हम सोनीपत में हैं, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है ये, प्लॉट नंबर 494 है और फेज 2 है। ये बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, मेन हाईवे के ऊपर ही है, हाईवे के ऊपर सोनीपत में ही है, 200-300 मीटर मिल है इनकी, और यहाँ पे सबसे नीरेस्ट है दिल्ली का। तो उसका कस्टमर को भी बेनिफिट है और हमारे को भी मार्केट होने के कारण बेनिफिट है, वो तो है ही पास, सबसे पास 2 घंटे के अंदर डिलीवरी तो दिल्ली की, यहाँ से डिलीवरी फास्ट है, ये 1.5 से 2 घंटे में कस्टमर को मिल जाती है, जो कि बाकी जगह से उनको 2 से 3 दिन में भी मिलती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी मेकिंग का काम है, तो उसके कारण क्वालिटी हर तरह की क्या, क्या क्वालिटी दे रहे हो आप इसके अंदर? मैंने जैसे आपको बताया कि हर तरह की डेनिम के अंदर क्वालिटी बना रहे हैं, मेन तो इस वक्त डेनिम नेट के अंदर ही है, बाकी इसके अंदर हम लोग अभी डिजाइनर्स का कर रहे हैं जी। कुछ डिजाइनिंग के अंदर नई नई पीडीज हैं और कुछ हम जैसे आरएफडी के अंदर सारा कलर मेकिंग कलर का, और आरएफडी के अंदर ओडी का काफ़ी दे रहे हैं। तो मार्केट के अंदर मार्केट की जो डिमांड के हिसाब से है वो सारा ही हमारी क्वालिटी हमारे पास है, हमारे पास मिलेगा। हम अभी दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं, कोलकाता में सप्लाई कर रहे हैं, मुंबई में सप्लाई कर रहे हैं, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया हमारा सब जगह जा रहा है। तो अच्छा एक नाम हमने अपना बनाने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही नाम आगे बना रहे, क्योंकि क्वालिटी मेकिंग का आप काम करोगे, क्वालिटी मेकिंग में रहोगे तो आपका नाम बनेगा। आपके पास क्या क्या ऐसी मशीन है जो कि आप अपडेट में है, जिससे कि आप अच्छी अच्छी क्वालिटी दे पा रहे हैं? जी, मशीनरी का सेटअप है, हमने जितना भी जो सेटअप लगाया है वो सारी लेटेस्ट मशीनरी है। हमारे पास जो डाइंग रेंज है वो जुपिटर की डाइंग रेंज है, शीट डाइंग है जी। और ढाल की हमारे पास फिनिशिंग रेंज है, और बीविंग के अंदर भी हमारे पास अच्छी मशीनरों का सेटअप है, 210 से लेके 230 सेंटीमीटर की, जो कि आजकल मार्केट के हिसाब से जी रिक्वायर्ड है जी। वाइडर विड्थ के अंदर फैब्रिक हर तरह का मिलेगा यहाँ पे, हम लोग 60 इंच से लेके 80 इंच तक का रेडी फैब्रिक दे रहे हैं जी। जो कि वाइडर विड्थ की जो मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग वो फुलफिल कर रहे हैं जी। तो मशीन का हमारे पास ब्रांड न्यू ही सारा सेटअप है, तो क्वालिटी मेकिंग के लिए आपको सेटअप अच्छा होने की, अच्छा तो होना ही चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए आपको सेटअप। तो सर आपका जो एग्जीबिशन जो हुआ बॉम्बे में लास्ट टाइम मई में, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा हुआ? देखो जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके अंदर हमारी अच्छी नई डेवलपमेंट थी जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका, क्योंकि क्वालिटी मुंबई के हिसाब से हमने अच्छी मुंबई बेंगलोर के हिसाब से ब्रांड के हिसाब से अच्छी पीडी कर रखी थी। तो उसके अंदर लाइट वेट की क्वालिटियाँ और डिज़ाइनर्स हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया था, और बहुत अच्छा मार्केट का रिस्पॉन्स रहा उसके हिसाब से, और मार्केट वहाँ कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जो क्वालिटी नहीं बनी है, तो उसके उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है हमारे को, कस्टमर के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके लिए जी। तो सर आपका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है इस टाइम? जो हेड ऑफिस अभी हम बैठे हैं सोनीपत में, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में, ये तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी। तो हमारी सेल्स की टीम और हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, गांधीनगर में। गांधीनगर जी, वहाँ पे मिलेंगे,
और हमारे जो बाबू जी मिस्टर सुभाष सिंह उनका भी यही विजन है कि आप क्वालिटी मेकिंग के अंदर जाओ जी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो कस्टमर हमेशा आपके साथ में रहेगा जी। तो क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस है हमारा और वही हम उस चीज़ को मेंटेन करेंगे जो कस्टमर हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे।